Hi everyone, good afternoon. Welcome to the class. So before starting with the questions, I would like to give you a quick introduction of the new initiatives by An Academy. So first we have the right time to start your UPSC preparation. This is the right time you can get your subscription. Bahut sare offers currently aapke liye available hai. You can get your subscription and easily, you know, start your UPSC preparation. So sabse pehle ye jo sari cheeze hai, your batches including mains test series, including prelims test series, books including optional batches, इन सब का टोटल वर्थ इज 2.3 लाख। लेकिन अभी 1 अगस्त से पहले पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 57.5K, राइट? सो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं. देन वी हैव 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल. अगर आप प्लस जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इन दैट केस यू कैन सेव 25% विद ऑप्शनल, 10% यूजिंग द रेफरल कोड विच इज AKB10, प्लस एडिशनल 10% ऑफ ऑन प्लस जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल ओनली, प्लस फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, प्लस प्रिलिम्स एंड मेन्स टेस्ट सीरीज, राइट? ऑल दीज ऑफर्स आर अवेलेबल फॉर यू, सो यू कैन हरी अप, गेट योर सब्सक्रिप्शन. देन वी हैव CAC एश्योर. अगर आप मिनिमम 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं या फिर उससे ज्यादा का, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, इन दैट केस यू विल गेट 1 free year एक्सटेंशन, राइट? सो यू कैन यूज द कोड AKB10, गेट मिनिमम 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड गेट CAC एश्योर. देन वी हैव फ्री टेस्ट. इफ यू गेट मिनिमम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, उसके साथ आपको 80 टेस्ट फ्री में मिलेंगे विच इंक्लूड्स 50 प्रिलिम्स टेस्ट एंड 30 मेन्स टेस्ट. ऑल्सो विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन यू विल गेट 20 बुक्स विच आर वर्थ ₹10,000. यू विल बी गेटिंग दीज फॉर फ्री विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. दीज बुक्स दे कंटेन 100% सिलेबस, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है. ऑल्सो दे आर अपडेटेड विद करंट अफेयर्स. देन वी हैव लोन फॉर UPSC प्रेपरेशन. लोन का फैसिलिटी भी ऑल्सो इज अवेलेबल फॉर यू. इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पे करना है. देर इज 0 प्रोसेसिंग फीस, 0 इंटरेस्ट रेट, राइट? सो थ्रू दिस लोन की फैसिलिटी ऑल्सो यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन ईजिली. देन वी हैव An Academy कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट. हर संडे सुबह 11 बजे एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बाई An Academy. अभी जो नेक्स्ट आपका कॉम्बैट है वो 1 अगस्त को होने वाला है, राइट? तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा और स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं. पार्टिसिपेट करने के लिए करना क्या होगा, बस ये कोड आपको याद रखना है AKB10, राइट? यू कैन यूज दिस कोड एंड एनरोल फॉर दिस टेस्ट फॉर फ्री, राइट? जस्ट यूज दिस कोड AKB10 एंड एनरोल फॉर दिस कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर फ्री. देन वी हैव किताब सीरीज. अ न्यू सीरीज हैज बीन लॉन्च्ड ऑन An Academy फ्रॉम July 17 ऑनवर्ड्स, विच इज अ वैल्यू एडिशन कोर्स कवरिंग डिस्कशन ऑन 2 बुक्स पर वीक. एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू बेनिफिट द लर्नर्स फॉर इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एंड एसे पेपर. देन वी हैव न्यू बैचेस. आप सबके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए, 2022 एज वेल एज फॉर 2023 एस्पिरेंट्स. सबसे पहले वी हैव फीनिक्स रिविजन बैच, जिसमें प्रिलिम्स मेंस का पूरा रिविजन आपको करवाया जाएगा अलॉन्ग विद प्रिलिम्स एंड मेन्स टेस्ट सीरीज. देन वी हैव 1 ईयर बैचेज एंड 2 ईयर बैचेज, जिसमें प्रिलिम्स मेन्स का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा अलॉन्ग विद NCERT एंड प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज. देन वी हैव NCERT बैचेज, जहां पे आपको कंप्लीट NCERT कवरेज मिलेगा. तो इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए यू कैन ईदर गेट आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन. जितने भी मंथ्स का कोर्स आपके लिए सूटेबल है, यू कैन सिलेक्ट दैट एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन. सो डू सब्सक्राइब टू An Academy. लेट्स क्रैक इट. All right, so hi everyone, good afternoon everybody, good afternoon. Okay, so questions ko start karte hain. All right, good afternoon everyone, welcome to the class everybody. So first question coming up, consider the following events during India's freedom struggle. Sabse pehla, there is Chauri Chaura outrage, there are Morley Minto reforms, Dandi March and Montague Kempsford reforms. Which one of the following is the correct chronological order of the events above? In mein se sahi order kya hai jo events upar mentioned hai? Okay, that was very quick. That's great everybody. Saath mein year bata sakte hain aap log?
Okay, that's great, that's great. Okay, Baki everyone, all right? Yes, that's great everyone. C is the correct answer, right? यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स सबसे पहले आए 1909 में, मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, और आपका ये जो चौरी चौरा आउटरेज है दैट्स 1922, एंड डांडी मार्च राइट, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी हम बोलते हैं, वो आपका स्टार्ट हुआ था 1930 के, राइट? तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 द रेजिड्यूरी पावर्स वर वेस्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर. रीजन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स इनटू थ्री लिस्ट, दैट इज फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सो यू हैव टू टेल क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं एंड वेदर आर एक्सप्लेन्स ए और नॉट. ओके, so we have one answer, all right, that's great. Okay, बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट. सो जिन बच्चों ने आंसर डी ऑप्शन दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 द रेजिड्यूरी पावर्स वर वेस्टेड इन द वाइसरॉय एंड नॉट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर. ये गलत है, वो वाइसरॉय को दी गई थी रेजिड्यूरी पावर्स, राइट? सो पहला स्टेटमेंट इज गलत. जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स into three list, that is federal, provincial and concurrent, ये बिल्कुल सही है, right? So यहाँ पे पहला statement गलत है, but जो दूसरा statement है, reason R, वो बिल्कुल सही है. Great everyone, right? So D is the correct answer. Next question, arrange the following events in the chronological sequence. Alipur conspiracy case, Meerut conspiracy case, Saunders murder, Kamagata Maru incident and Kakori robbery. कुछ दिन पहले भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था. आई होप यू लुक्ड इनटू क्या क्या इयर्स थे. ओके, all right, we have two answers. Baki, what do you think? Okay, all right, that's great everyone. B is the correct answer here. B बिल्कुल सही है. अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1908. यस, कामागाटा मारू इंसिडेंट, ये आपका ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, 1914. फिर यहाँ पे आपका काकोरी रॉबरी 1925 में हुआ, ये सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. देन आपका सॉन्डर्स मर्डर, ये हमने कल भी किया था 1928, लाला लाजपत राय की डेथ का यहाँ पे रिवेंज लेना था. और फिर लास्ट में यहाँ पे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ये आपका 1929 का है, राइट? सो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दीज इवेंट्स के डेट्स, राइट? जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे लोग इन ऑल दीज एक्टिविटीज, वो सब आपको मालूम होना चाहिए, राइट? सो बी इज द करेक्ट. एंड शालिनी हैज गिवन ऑल द इयर्स एज वेल, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही. द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन ओपोजिशन टू. यहाँ पे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया गया था इन ओपोजिशन टू वॉट? इन ओपोजिशन टू गांधी इरविन पैक्ट, होम रूल मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट एंड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स.
ओके दैट्स ग्रेट एवरी वन, अगेन ग्रेट पार्टिसिपेशन एवरीबडी. यस, जब नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे बना था उसके ओपोजिशन में यहाँ पे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया था. नेहरू वॉज देयर, सुभाष चंद्र बोस वॉज देयर, राइट? क्योंकि उनको नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे मांगा गया था ये उसके अगेंस्ट थे, राइट? दे वॉन्टेड कि हमें यहाँ पे क्या मांगना चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगना चाहिए, राइट? सो आपका सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1920 इन कानपुर बाय एम एन रॉय एंड अंबानी मुखर्जी. इन 1925 इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर फॉर्मलाइज्ड द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. देन कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924 एंड मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1929 आर बोथ रिलेटेड टू गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन कम्युनिस्ट. तो बताइए, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना तीनों स्टेटमेंट्स को एंड लेट मी नो कौन से स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. ओके, सो आयुष, व्हाई डू यू थिंक पहला स्टेटमेंट इज गलत? ओके मुकेश, व्हाट अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट? ओके यहाँ पे काफी डिफरेंट आंसर्स है हमारे पास. ए बोल रहा है कोई, सम आर विद ऑप्शन नंबर डी, सम आर विद ऑप्शन नंबर सी. ओके ओके सो यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा डी. पहला बिल्कुल गलत है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1920 इन ताशकंद. ताशकंद में ये फाउंड हुई थी, ना कि इंडिया के कानपुर में, राइट? इट वॉज फॉर्म्ड इन ताशकंद बाय एम एन रॉय एंड अंबानी मुखर्जी, राइट? तो यहाँ पे विकी अभी ध्यान में रखना है, फॉर्म्ड इन 1920 इन ताशकंद बाय एम एन रॉय एंड अंबानी मुखर्जी. इन 1925 फिर इंडिया में यहाँ पे कानपुर में कॉन्फ्रेंस करवाया गया, इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, वहां पे इसको द फाउंडेशन ऑफ सीपीआई वॉज फॉर्मलाइज्ड, राइट? ये चीज है. यस, कैपिटल राइट शालिनी, राइट. कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस एंड मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस आर बोथ रिलेटेड टू गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन कॉम्युनिस्ट. ये बिल्कुल सही है दोनों, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस एंड मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, राइट? ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है. फर्स्ट में इट इज नॉट इन कानपुर, इट वॉज इन ताशकंद, राइट? सो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स दे कॉल्ड फॉर पठान नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म द यूनियन ऑफ पाश्तून ट्राइबल एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट विद अफगानिस्तान द अडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स एंड मेथड्स फॉर टेररिजिंग एंड फाइनली आउस्टिंग द कोलोनियल रूलर्स the adoption of communist revolutionary ideology for political and social reforms. खुदाई खिदमतगार के बारे में क्वेश्चन है. फ्रंटियर गांधी, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल. That's great. Yes, बिल्कुल, यहाँ पे A is the correct answer. इनका यहाँ these terrorist tactics, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए इनको खुद क्या कहते हैं, इनके जो लीडर थे उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, राइट? अब्दुल गफार खान को, राइट? उनको यहाँ पे फ्रंटियर गांधी क्यों बोला जाता था, क्योंकि गांधी के ये जो नॉन वायलेंस वाले प्रिंसिपल्स थे ये उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे. सो दिस रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, टेररिस्ट टैक्टिक्स, ऑल
दिस इज रॉन्ग राइट. हाँ जी खान अब्दुल गफार खान राइट. हाँ जी बिल्कुल. इनको यहाँ पे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था. द पठान नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म राइट. दिस इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर राइट शालिनी. इज दैट क्लियर. यहाँ पे ये टेररिजिंग रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी. नो बिल्कुल गलत. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल राइट. ग्रेट पार्टिसिपेशन एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बारहा डेकोइटी वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. बारहा डेकोइटी यहाँ पे हुआ था कौन से रीजन्स में. बॉम्बे कर्नाटका पंजाब ईस्ट बंगाल या फिर द मद्रास प्रेसिडेंसी. बरहा डेकोइटी ओके. सी भी आंसर आ रहा है. बी इज ऑल्सो देयर ओके. बिल्कुल यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर. ईस्ट बंगाल इज द रीजन एसोसिएटेड विद दिस बारहा डेकोइटी. यहाँ पे 1908 में हुआ था. एंड व्हाट इज द नेम एसोसिएटेड हियर. पुलिन बिहारी दास राइट. जिनका नाम हम डाका अनुशीलन समिति के केस में भी देखते हैं राइट. सो पुलिन बिहारी दास ई वॉज एसोसिएटेड विद दिस बारहा डेकोइटी जो कि किधर हुआ था. यहाँ पे ईस्ट बंगाल में राइट. सो सी इज द करेक्ट आंसर. अभी ध्यान में रखना है सबको ये नाम ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन ऑफिशियल कमेटी दैट वॉज फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर राइट. एक तो हंटर कमेटी विच वॉज द ऑफिशियल कमेटी राइट. यहाँ पे एक यहाँ पे कांग्रेस ने नॉन ऑफिशियल कमेटी भी बनाई थी टू इन्वेस्टिगेट इन द जलियांवाला बाग मैसेकर. उसको लेके कुछ स्टेटमेंट्स हैं. पहला गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी. It said that there was no justification in the introduction of martial law in Punjab. Motilal Nehru and C.R. Das were a part of this committee. बताइए यहाँ पे कौन सा statements बिल्कुल सही है. All right. Good morning Akash. Good morning. Good morning everybody. वेरी गुड एवरी वन. यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर. ये जो नॉन ऑफिशियल कमेटी थी गांधी वॉज अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी. गलत राइट. सो गांधी पार्ट थे उस कमेटी के. गांधी वॉज देयर. मोतीलाल नेहरू वॉज देयर. सी आर दास वॉज देयर. यहाँ पे एम आर जयकर अब्बास सयाब जी काफी लोग यहाँ पे थे. उन सब के नाम आपको मालूम होने चाहिए. आयुष ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी. तो फर्स्ट गलत है. और इस कमेटी ने क्या बोला था. इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे जनरल डायर का ये जो एक्ट था राइट इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का उन्होंने इसको कंडेम किया. और उन्होंने बिल्कुल ये पॉइंट आगे रखा कि ये जो मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था उसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं राइट. ऑल ऑफ दिस दैट वॉज डन जो भी ये हुआ है दैट वॉज इनह्यूमन राइट. और ये बहुत ही गलत था. बिल्कुल यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड तो है ही सही. मोतीलाल दा मोतीलाल नेहरू एम आर यू नो यहाँ पे जयकर अब्बास तैयब जी गांधी ये सारे यहाँ पे इस नॉन ऑफिशियल कमेटी का पार्ट थे. सो यस यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर राइट. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाली मूवमेंट ऑफ 1920s का जो अकाली मूवमेंट था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था. टू लिबरेट सिख गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंस. क्रिएट अ सेपरेट प्रोविंस इन पंजाब रीजन. मेक अवेलेबल मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू सिख या फिर टू थ्रो ब्रिटिश रूल आउट ऑफ इंडिया. तो बताइए यहाँ पे अकाली मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था. बिल्कुल सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राइट.
ओके दैट्स ग्रेट. सो यू नो ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर सही है. बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, राइट. सो द अकाली मूवमेंट यहाँ पे यू नो बना लाया गया था क्यों? टू लिबरेट सिख गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंस. ये जो करप्ट महंस थे ना गुरुद्वारा में, इनसे लिबरेट करना चाहते थे सिख गुरुद्वारा को. इसी के चलते यस सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी यहाँ पे लाई गई थोड़े टाइम बाद. सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट. बिल्कुल. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 1920. दीवान चमन लाल वॉज इलेक्टेड एज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी. द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस एक्सप्रेस्ड डाउट्स ओवर इट्स फॉर्मेशन. गांधीयन फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड क्लास कोलेबोरेशन हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इट. नहीं, उनके कुछ अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट. बताइए यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड कौन सी सही सॉरी कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ओके इनकरेक्ट कपिल, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एंड हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ओके सी आंसर कोई दे रहा है. सम आर विद आंसर नंबर डी. ओके सो यस यहाँ पे सी इज द वन विच इज इनकरेक्ट. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड इन अक्टूबर 1920. बिल्कुल सही. दीवान चमन लाल वॉज इलेक्टेड एज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी. बिल्कुल सही. और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. गया सेशन ऑफ द कांग्रेस एक्सप्रेस्ड डाउट्स ओवर इट्स फॉर्मेशन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. गया सेशन जो था यहाँ पे 1922 का, उसने वेलकम किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फॉर्मेशन को, राइट. उन्होंने कोई डाउट्स आशंका नहीं जताई थी इसकी फॉर्मेशन को लेके, राइट. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. गांधीयन फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड क्लास कोलैबोरेशन हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इट. ये भी बिल्कुल सही है. सो यहाँ पे सी आपका सही आंसर रहेगा. थर्ड इज द वन विच इज इनकरेक्ट. फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज लाहौर सेशन 1929 का जिसको प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसको लेके कौन से स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है? द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस. द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वॉज रिजॉल्व इन दिस सेशन. अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन. ऑल राइट. बिल्कुल बिल्कुल राइट. सो यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा ए वन ओनली. इसमें हमने पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड किया. बिल्कुल सही है, राइट. ये आपका बिल्कुल सही है. उसके बाद यहाँ पे द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वॉज रिजॉल्व इन दिस सेशन. ये गलत है. अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन. ये भी बिल्कुल गलत है. सिर्फ ऑप्शन नंबर वन जो है, दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिमांडेड. और यहाँ पे प्रेजिडेंट कौन थे? प्रेजिडेंट ऑफ दिस सेशन वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया द शोर कमेटी वॉज रिलेटेड टू. शोर कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? कोऑर्डिनेट एन आर्म्ड इन्वेजन ऑन ब्रिटिश इंडिया, फाइट फॉर द पैसेंजर ऑफ कमागाटा मारू शिप, मीडिएट बिटवीन अहमदाबाद मिल वर्कर्स एंड मिल ओनर्स, एसर्टेन द इम्पोर्ट ड्यूटी टू बी इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड वेयर सी. तो बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द शोर कमेटी? हाँ जी राइट राइट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
All right. Some are guessing, some are right. ओके सो कुछ बच्चे बी ऑप्शन के साथ हैं और कुछ बच्चे डी ऑप्शन के साथ हैं. सो यस, यहाँ पे जो शोर कमेटी है, कोऑर्डिनेट एन आर्म्ड इन्वेजन ऑन ब्रिटिश इंडिया, ये गलत है. ये आपका आया था टू फाइट फॉर द पैसेंजर्स ऑफ कामागाटा मारू शिप, राइट. कामागाटा मारू इंसिडेंट तो याद है ना सबको, उसी को लेके, उसी में इन्वेस्टिगेट करने को लेके शोर कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी, राइट. सो अब से सबको ध्यान में रखना है, शोर कमेटी इज रिलेटेड टू द कामागाटा मारू इंसिडेंट, राइट. ये जो है टू एसर्टेन द इम्पोर्ट ड्यूटी टू बी इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड विया सी, ये बिल्कुल गलत है. दिस इज रिलेटेड टू कामागाटा मारू इंसिडेंट, राइट. अब से ध्यान में रखना है शोर कमेटी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड एज अ फॉल आउट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड इन 1902 इन बॉम्बे. मित्र मेला वॉज मर्ज विद अभिनव भारत इन 1904. एंड देन रामोसी पीजेंट फोर्स वॉज ऑर्गेनाइज बाई वासुदेव बलवंत फाड़के, राइट. तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ये आपको बताना है. ओके ऑल राइट. सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड एज अ फॉल आउट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, बिल्कुल सही. अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड इन 1902 इन बॉम्बे. अनुशीलन समिति बंगाल का है, ना कि बॉम्बे का, राइट. तो ये गलत है. मित्र मेला वॉज मर्ज विद अभिनव भारत इन 1904, ये बिल्कुल सही है. और जो आपका रामोसी पीजेंट फोर्स है, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, वासुदेव बलवंत फाड़के ने, ये बिल्कुल सही है, राइट. सो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दैट वुड बी बी 1, 3 एंड 4, राइट. दिस इज द करेक्ट आंसर. बॉम्बे नहीं है, बंगाल है, राइट. तो ध्यान से देखना है, जब भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सो यू शुड नो कौन सी समिति, कौन सा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉम्बे के हैं, बंगाल के हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है वो, राइट. सो यहाँ पे यू शुड नो. ओके ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू अ बॉम्ब एट अ कैरेज इन ऑर्डर टू हार्म अ व्हाइट जज नेम्ड किंग्सफोर्ड. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. राइट, एवरीबडी नोज दिस. ये तो सबको आंसर देना चाहिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नो नो नो, गलत हो गया, गलत हो गया. दैट वुड बी प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस, राइट. दे वर द वंस रिस्पॉन्सिबल यू नो बिहाइंड दिस थ्रोइंग ऑफ बॉम्ब एट अ कैरेज इन ऑर्डर टू हार्म अ व्हाइट जज नेम्ड किंग्सफोर्ड. तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट. प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस, ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट. ओके सो दिस इज इट. हाँ जी, राइट राइट राइट. शॉट हिमसेल्फ एंड ही वॉज लेटर हैंग्ड, बिल्कुल सही. एस बी, यस बिल्कुल सही. ऑल राइट, सो ये आपके आज के क्वेश्चंस हो गए. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी. आई होप आपको क्लास अच्छा लगा है. सो इफ यू लाइक्ड द क्लास, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट. और अगर आप यहाँ पे और MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस ऑन अनअकैडमी. फ्री क्लासेस हैं, इजिली आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. प्लीज like the video and see you all for the next class. Thank you.